आज सोमवती स्नान के अवसर पर श्रद्धालु हरिद्वार आकर गंगा स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म में सोमवती स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान, पूजा और दान पुण्य लाभ कमा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी कोरोना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की हुई है। पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद श्री गंगा सभा, संत समाज और धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। परंतु इस बार सोमवती स्नान पर जिला प्रशासन द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट दी गई है। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना ढींगरा की रिपोर्ट। मैं गंगा स्नान करने आया हूँ। आज सोमती अमावस है और आज का दिन बड़ा ही उत्साहजनक है और हमारे जीवन में बिल्कुल ये बड़ा सौभाग्य है कि हम हर की पौड़ी पर स्नान कर रहे हैं और माता के साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अंदर से इतना एक एनर्जी मिल रही है, एक पावर मिल रही है, जिससे हम थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं कि हाँ कहीं कोई ईश्वर, कोई शक्ति है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए पूरा डिस्टेंस भी है, मास्क भी है, रोका गया हमको और मास्क भी चेक हुए हमारे और बिल्कुल सुरक्षा के लिए बोला गया और वो हम बनाए हुए हैं अभी भी। सोमवती अमावस है, बड़ा ही पावन दिन है और ये भोले बाबा की कृपा है कि आज हम यहाँ तक स्नान करने के लिए आए। सभी भक्तों से यही निवेदन है कि आज के दिन अन्न धन का भंडार सबके लिए खुला रहता है, जो दान करते हैं सबका दान लगता है और भगवान भोले शंकर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारी चेकिंग करी थी गाड़ी की, हमको रास्ते में रोका गया था, पुलिस वालों ने कहा था कि ज़्यादा बंदे अलाउड नहीं है, इसलिए हम लिमिट के ही बंदे थे गाड़ी में और उन्होंने मास्क भी चेक किए थे हमारी और कहा था कि डिस्टेंस से चलना है सभी को और यहाँ ज़्यादा भीड़ मतलब अलाउड नहीं है, बड़े बूढ़े अलाउड नहीं है, अगर बड़े बूढ़े साथ होते तो शायद हमको वापस जाना पड़ जाता। देखिए, क्योंकि सोमवती अमावस्या का एक इम्पोर्टेंट स्नान होता है और काफी अंतराल के बाद ये स्नान हो रहा था, तो मैं पुलिस के द्वारा इसमें एसएसपी सर के निर्देशानुसार इस पूरे क्षेत्र को, मतलब जो स्नान क्षेत्र को 10 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया था और इसमें हमने काफी फोर्स डिप्लॉय की है, पीएसी भी है और लोगों से अपील भी निरंतर की जा रही है कि वो मास्क का प्रयोग करें और उनको कोविड के खतरे के बारे में आगाह भी किया जा रहा है। हम इसमें चालान की कार्रवाई भी कर रहे हैं और बाकी फोर्स हर जगह पे डिप्लॉय है ताकि ये स्नान को सकुशल निपटाया जा सके। जी हाँ, अगर श्रद्धालु बढ़ेंगे हम तो हमने डाइवर्जन स्कीम लागू कर रखी है, तो हम डाइवर्जन करेंगे और प्रशासन का ये भी वो है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो बॉर्डर से वापस भी लौटाए जाएंगे वाहन, तो इस तरह का हमारा पूरा एक बना हुआ है, वो जितनी भी भीड़ बढ़ेगी उसके अनुसार जितना भी प्रेशर बढ़ेगा।